हाय दोस्तों, सो अभी हम रिवाइज करने वाले बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी हाँ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ICAI का फेवरेट चैप्टर बन चुका है। हर अटेम्प्ट में ICAI इसको मज़ेदार तरीके से पूछता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर। तो इसको जल्दी से कवर करते हैं और समझते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमें कौन बोलता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए। तो ये हमें कहता है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें आता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 129 सबसेक्शन 4। ये दो सेक्शंस क्या क्या कहते हैं? ये कहता है कि अगर एक कंपनी की एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी है, सब्सिडरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स भी आते हैं, इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरीज। तो जिस भी कंपनी की एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी होती है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। फिर हमने पूछा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे कैसे। सो इन्होंने कहा था प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जैसे पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, हू ब हू वैसे ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखने में कैसे होंगे? हमने कहा जैसे स्केड्यूल 3 बताता है वैसे ही होंगे और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। सिमिलरली अगर एक कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने, उसके लिए सफिशियंट होगा अगर वो कंप्लाई कर दे विद द प्रोविजंस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर स्केड्यूल 3। अब हमने कहा किसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा सर सिंपल सी बात है, तीन कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं, तीन की तीन कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी आगे चल सकते हैं। पहला हमने बताया था कि हमने उनको बता दिया और वो मान गए, यानी जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको हमने इंटीमेट कर दिया इन राइटिंग एंड उसके लिए हमारे पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है, प्लस दे डोंट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा हमने कहा हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लिस्टेड नहीं, यानी द कंपनीज हु सिक्योरिटीज़ aren't लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन और आउटसाइड इंडिया, ना तो इंडिया में लिस्टेड है ना बाहर लिस्टेड है। थर्ड हमने पढ़ा जो हमारी अल्टीमेट या इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी है, मतलब हमारी जो टॉप पे जो होल्डिंग कंपनी है या फिर उसके बीच में कोई इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी है, वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करती है किसके साथ? रजिस्ट्रार के साथ, विच आर इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो हमने कहा तीन कंडीशंस है, हमने उनको बता दिया, वो मान गए, हमारे सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, प्लस ऊपर वाले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड करके शेयर करते हैं रजिस्ट्रार के साथ। फिर हमने कहा कि एक और एंटिटी होती है जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो मेजर करती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एट FVTPL यानी फेयर वैल्यू थ्रू PNL, जिसको हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं Ind AS 109 में। और हमने कहा ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी का क्या मतलब होता है? हमने कहा ये कंपनी वो है जो फंड्स लेती है वन और मोर इन्वेस्टर्स से फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टर्स विद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। इसका मेन काम है कंपनी का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देना, प्लस ये कमिटेड है कि इसका जो बिजनेस पर्पस है वो यही है कि ये पैसा कमाए दो ही तरीकों से, एक तो है कैपिटल एप्रिसिएशन या इन्वेस्टमेंट इनकम या बोथ, सो रिटर्न्स फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ। फिर हमने पढ़ा कि ये परफॉर्मेंस कैसे वैल्यूएट करती है, हमने कहा था फेयर वैल्यू थ्रू PNL, यानी इट मेजर्स द परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली ऑफ ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस, सो ये फेयर वैल्यू बेसिस पे करती है। सर एक बात बताओ, क्या अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी का पेरेंट है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाने पड़ेंगे? मैंने कहा हाँ बनाने पड़ेंगे, अनटिल अनलेस वो भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, एग्जांपल में क्या था, एक पेरेंट लिमिटेड थी, उसने शेयर्स एक्वायर किए थे चाइल्ड लिमिटेड के, 51% एक्वायर किए थे 31 मार्च 2019 को, फिर अगले ही साल उसने वो 20% शेयर्स जो थे सेल कर दिए, यानी 1920 में उसने सेल कर दिया। अब हमें कहा कि कंसोलिडेशन करना है कि नहीं करना, तो हमने देखो इधर मेरी तरफ देखो, हमने कहा था कि भाई सिंपल सी बात है, इसमें तीन चार प्रोविजंस है वो हमें ध्यान में रख के चलने। पहला हमने कहा था कि AS 21 कहता है कि दो केसेस में कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपका कंट्रोल 51% या उससे ज़्यादा है। एक तो था टेम्प्रेरी बेसिस पे आपने ले रखा है कि आपका जो कंट्रोल है वो टेम्प्रेरी है, या फिर देर आर सिवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, हमने एक सिवियर फंड लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, पर ये AS 21 कहता है। और अगर आपका ऐसा कोई केस है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट को सब्सिडरी की तरह वैल्यूएट नहीं करना, उसको इन्वेस्टमेंट को आप वैल्यू करोगे अपना AS 13 में, आप उसको टेम्प्ररी कंसिडर करोगे एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उसको वैल्यू करोगे। अब आपका एज एन ऑडिटर काम क्या है कि आप वेरीफाई करो कि कंपनी का इंटेंशन क्या था, क्या वो एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट ईयर में इसको सेल कर दिया तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ वो इंटेंशन था उस टाइम पे जब उन्होंने वो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की थी। फिर हमने एक बात और करी थी, सर क्या बात करी थी, कि Ind AS 110 जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें इस तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं है, देर इज नो सच एक्जेम्पशन फॉर टेम्प्रेरी कंट्रोल और फॉर ऑपरेटिंग अंडर सेवियर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस, उस केस में कंसोलिडेशन मैंडेटरी हो जाता है। और याद करो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ने क्या कहा था, सर उसने सिंपल सी बात बोली थी,
अगर किसी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने तो उसके लिए काफी होगा अगर वो कंप्लाई कर दे विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट. सो इट विल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजंस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन भी यही है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लगता है कंट्रोल टेम्पररी है तो भाई सिंपल सी बात है आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के हिसाब से आपको जो डिस्क्लोजर्स है एज पर शेड्यूल 3 वो देने पड़ेंगे. और अगर आप पे इंडेस लग जाते तो इस तरह की कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं, आप पे कंसोलिडेशन कंपलसरी है, आपको कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा. और इंडेस कहते हैं कंसोलिडेशन तब से शुरू हो जाता है जब जिस डेट पे इन्वेस्टर कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है ओवर द इन्वेस्टी. एंड कब कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है? इट सीजेस व्हेन द इन्वेस्टर लूजेस द कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी. सिंपल सी बात हमने ये पढ़ी थी सर. फिर आई बात रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट की. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट में बड़ी मजेदार बात पढ़ी थी कि एक पेरेंट को कंसोलिडेशन करनी है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सर उसको पहचानना पड़ेगा कंसोलिडेशन में मुझे किस किस को इंक्लूड करके चलना है. यानी इट विल आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स. उसने एक बार कॉम्पोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है. सो पहले उसने आइडेंटिफाई करा कंपोनेंट्स को, ऑब्टेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. फिर हमने कहा था कि जब उनको कंसोलिडेट करेगा तो कंसोलिडेट के लिए उसको कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. फिर कंपोनेंट ने कहा मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से सेम नहीं है तो हमें हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करनी पड़ेगी. सिमिलरली उसका गैप और मेरा गैप अलग है, उसका गैप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरा गैप है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या उसका गैप है यूएस गैप, मेरा इंडियस है. सो कहीं ना कहीं हमें गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी. और साथ साथ हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी कि सेगमेंट रिपोर्टिंग और रिलेटेड पार्टीज़ के रिगार्डिंग भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब आते हैं हमारे मज़ेदार तरीके पे. हमने जिस तरह से पढ़ा था, बेसिकली मैं गया किसी को किडनैप करने के लिए. मैंने जिसको किडनैप किया था वो था बेसिकली कॉम्पोनेंट यानी बच्चा. कॉम्पोनेंट यानी बच्चा, वो बच्चा था मुझे जो लगा सबसे अमीर होगा, सबसे अमीर बच्चा वही था जिसने गैप की जीन्स पहन रखी थी. सो मैंने गैप की जीन्स पहन रखी थी उसने, और वो क्या कर रहा था? वो म्यूज़िक सेगमेंट में बैठा था. जी हाँ, मॉल का जो म्यूज़िक सेगमेंट होता है वो वहाँ पे बैठा था और हारमोनियम बजा रहा था. तो मैंने वाला पॉइंट वहां से याद किया था, गैप की जींस पहन रखी थी, आइडेंटिफाई करा कंपोनेंट जो म्यूजिक सेगमेंट में बैठा था. चार पॉइंट इस तरह से याद किए थे मैंने. बोला अपनी रिलेटेड पार्टी का फोन नंबर बताया तो मैंने उसकी रिलेटेड पार्टी को कॉल किया था और उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी. और बच्चा जब बोला मुझे बहुत परेशानी हो रही तो मैंने कहा बच्चे चुपचाप बैठ और अपनी एडजस्टमेंट करें, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर ले मेरे साथ. तो इस तरह से हमने 5-6 पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट के याद किए थे. फिर आती है बात ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बहुत अच्छा आसानी से हमने याद कर लिया था क्योंकि हम कंपनीज एक्ट अभी हमने खत्म किया है तो हमें पता है कि भाई सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 आएगा, 143 सबसेक्शन 3 आएगा. प्लस ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एंड क्या वो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बने, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. प्लस ऑडिटर वैलिडेट करेगा क्या कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत भी है, यानी वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनी एज पर एप्लीकेबल FRF. तो हमने 5 पॉइंट यही यहां पे पढ़े थे. फिर ऑडिटर्स कंसिडरेशन विद रिगार्ड टू मटेरियलिटी. तो मटेरियलिटी में तो भाई सब पॉइंट सिंपल सा था, अगर आप थोड़ा आंखें बंद करके भी सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा. पहले हमने कहा हम ग्रुप की मटेरियलिटी एज अ होल कैलकुलेट करेंगे. जब हमें मटेरियलिटी एज अ होल मिल जाएगी तो उससे हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स. हमने पढ़ी थी दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती है, एक परमानेंट एडजस्टमेंट्स होती है, एक करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स होती है. तो हम उन एडजस्टमेंट्स को अप्रोप्रिएटनेस हम देखते हैं मटेरियलिटी ऑफ ग्रुप एज अ होल. दूसरी चीज जहां पे हमें मटेरियलिटी ऑफ ग्रुप एज अ होल कहां पे काम आती है वो होती है टू identify the components which are material to the group. और फिर हमें पता चल सके कि हमें additional कौन से components से जो हमें अपने audit में scope in करके चलने हैं. तो दो चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं. प्लस मैं जिन components को मेरे को audit करना है मैं उनकी भी materiality calculate करता हूँ. और मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन लगाता हूँ किसको? component के auditor को. जी हाँ, मैं component के auditor को कॉल लगा के बोलता हूँ ए auditor तुम्हारी materiality ये है और ध्यान रख लेना कि जो true and fair view है वो आ जाए. प्लस मैं एक चीज़ और करूंगा, जो कंपोनेंट ऑडिटर है उससे लूंगा कंफर्मेशन कि क्या वो कोड ऑफ एथिक्स और इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करता है. तो 5 पॉइंट हमने यहाँ पे यही पढ़े थे कि पहले मैं ग्रुप की मटेरियलिटी कैलकुलेट करूंगा किसके लिए, ताकि मैं जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं उनकी अप्रोप्रिएटनेस असेस कर सकूं. साथ साथ में मटेरियलिटी कैलकुलेट करूंगा ग्रुप लेवल की टू असेस कौन से कंपोनेंट्स मटेरियल हैं. जो कंपोनेंट्स मटेरियल हैं उनको मैं देखूंगा कि मुझे एडिशनली दे शुड स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स एंड कंसीडर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स एज एप्लीकेबल. मैंने बताया था मुझे अदर ऑडिटर का वर्क यूज करना पड़ सकता है, तो इसीलिए मैंने मटेरियलिटी ऑफ ईच कॉम्पोनेंट भी कंप्यूट करी एंड कम्युनिकेट करी टू द कॉम्पोनेंट ऑडिटर. एंड लास्ट पॉइंट यही था कि मुझे कन्फर्मेशन लेनी है फ्रॉम द कॉम्पोनेंट ऑडिटर. जब मैंने उसको कॉल लगाया तो कॉल लगाते वक्त मैं वापस कॉल रखते वक्त ये बोल दूंगा एक बार कंफर्मेशन दे दो रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स. हमने ये चीज पढ़ी थी. हाँ सर, पढ़ी थी.
अब आती है बात प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा ही रहे हैं, हमें अब उसकी प्लानिंग करनी है। तो सर हम उसकी प्लानिंग करेंगे कैसे? तो प्लानिंग करना बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपने समझना पड़ेगा भाई, अगर आपको कंसोलिडेट करना है तो पक्का कोई ग्रुप होगा। ग्रुप मतलब एक होल्डिंग कंपनी, उसकी ढेर सारी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, एक बहुत बड़ा परिवार की तरह एक होता है कंसोलिडेटेड। पूरा जो ग्रुप होता है कि परिवार की तरह होता है, जिसमें एक बड़ा होल्डिंग कंपनी होती है, उसकी सब्सिडरीज होती है, उसकी एसोसिएट्स होती है। तो सबसे पहले हमें ग्रुप स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे कि ग्रुप में क्या क्या कंट्रोल्स हैं। सर बिल्कुल बात समझ गए। प्लस मुझे देखना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज को, कि क्या मेरे पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, क्या सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, और क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई होंगी जब मैं इन सबको कंसोलिडेट करूंगा। तो पहले मैंने ग्रुप का स्ट्रक्चर समझा था, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स देखे, फिर मैंने देखे अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर मैंने प्लान किया कि मुझे कितने रिसोर्सेज लगेंगे इस ऑडिट पे। जितने रिसोर्सेज लगेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मेरी कितने ऑडिट प्रोसीजर्स लगने वाले हैं, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और कितना काम मेरा होगा, कितना मैं दूसरे का काम यूज़ कर पाऊंगा, यानी यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। एज पर SA 600 मुझे देखना है कि कितना एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ वर्क मैं दूसरे ऑडिटर का कर सकता हूँ, और जब मैं किसी का काम यूज़ करूँगा तो मुझे उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट हमने याद करे थे, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमने तीन लोगों की अकाउंटिंग पॉलिसी देखी, पेरेंट, कंपोनेंट एज वेल एज कंसोलिडेशन प्रोसेस, फिर मैंने देखा था कितना काम मैंने करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ माय प्रोसीजर्स, कितना मैं दूसरे का ले सकता हूं, यानी एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, एंड उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। फिर आती बात, क्या जो मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसमें सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड हो गए, यानी कोई सब्सिडरी, एसोसिएट ऐसी तो नहीं है जो रह गई हो मेरे से जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा था। तो जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं ये मुझे कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है। मैं कैसे कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकता हूं? पिछले साल भी मैंने कंपनी का ऑडिट किया था, तो मैं पुराने जो अपने वर्क पेपर्स हैं प्रायर ईयर्स के उनको देख सकता हूं, तो मेरा अपने काम से पता चल जाएगा। प्लस जिस पेरेंट का मैं ऑडिट कर रहा हूं, जो कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं उससे पूछ लूंगा, हे पेरेंट, आपके क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने कंसोलिडेशन में लेने हैं। प्लस मैं इंक्वायरी कर सकता हूं विद मैनेजमेंट कि ये तो वो कंपोनेंट है जो पिछली बार थे, जो मैंने इंक्लूड कर लिया, आपने इंक्लूड कर लिया, आप नए कंपोनेंट कैसे पहचानते हो? तो इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई न्यू कंपोनेंट्स, और नए कंपोनेंट कैसे आ सकते हैं जब हम उनमें इन्वेस्टमेंट करें? तो इन्वेस्टमेंट बाय द पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट टू आइडेंटिफाई द शेयर होल्डिंग। फिर हम देखते हैं जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट देख लेते हैं, प्लस हम चेंज इन शेयर होल्डिंग देख लेते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड हुई हो। तो हम 5-6 चीजें यही देखते हैं, हमारे पुराने वर्क पेपर, प्लस हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स के प्रोसीजर्स देख लेते हैं। एक तो हमारा प्रोसीजर हो गया, एक पेरेंट्स का प्रोसीजर हो गया, एक इंक्वायरीज विद मैनेजमेंट हो गई, फिर इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट, और चेंज इन शेयर होल्डिंग। सर अब आती है दो तरह के एडजस्टमेंट्स, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। सो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है जो एक बार होती है, दे आर मेड ऑन द फर्स्ट ओकेजन, और सब्सिक्वेंटली वो तब होते हैं जब चेंज हो जाए शेयर होल्डिंग का ऑफ द एंटिटी विच इज कंसोलिडेटेड। अब इन्होंने कहा दो चीजें आती है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में, एक आती थी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होकर आता है वो होता है, साथ ही साथ कौन सी अमाउंट है जो एट्रीब्यूटेबल है टू माइनॉरिटी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यही चीज हम इंडिया 110 और AS 21 में भी पढ़ते हैं। अब एज एन ऑडिटर आपने क्या करना है, आपने देखना है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्या हैं। तो अगर आपने देखना है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, पहले तो आपने प्री एक्विजिशन निकालने हैं, फिर आपने दोनों में बांटने हैं। पहले तो प्री एक्विजिशन निकालते हो, फिर उनके बाद दोनों में बांटते हो, तो आपने प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालने जिसके लिए डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जो आपने प्री एक्विजिशन रिजर्व निकाले आपने उसको प्रॉपरली एलोकेट करना है बिटवीन द पेरेंट, बिटवीन द NCI, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपने जब ये काम कर लिया, आपने ये भी देखना है कि कोई चेंजेस तो नहीं है पिछले साल से इस साल में इन द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो एज एन ऑडिटर आपका ये भी काम है कि आप देखो, वेरीफाई करो चेंजेस इन द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन द कंपोनेंट्स। सो हमने ये चीजें पढ़ी थी, हमने एक चीज और पढ़ी थी, हो सकता है एक कंपोनेंट एक सब्सिडरी के केस में मेरे गुडविल आ रही है, एक के केस में मेरा आ रहा है कैपिटल रिजर्व, तो मैं उन दोनों को सेट ऑफ करके भी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकता हूं। राइट सर, आप दिखा सकते हो, पर एज एन ऑडिटर मेरे को ये देखना है क्या नोट्स टू अकाउंट्स में ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुडविल और ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व शो कर रखी है कि नहीं। बिल्कुल सर, समझ गए। फिर आती है बात करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। मैंने कहा करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, जो भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको आपको हटाना है। सर हटा देंगे, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? मैंने कहा हो सकता है सब्सिडरी ने मुझे कोई इंटरेस्ट देना हो या मैंने सब्सिडरी से कोई इंटरेस्ट लेना हो, सो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, ये मैंने हटा दिया। प्लस जो भी मैंने सब्सिडरी को एसेट दिया या सब्सिडरी से कोई एसेट लिया, उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट हो सकता है। सर अनरियलाइज प्रॉफिट हो सकता है, सो
अनरियलाइज्ड इंट्राग्रुप प्रॉफिट ऑन एसेट्स एक्वायर्ड और ट्रांसफर टू फ्रॉम अदर सब्सिडरीज। बिल्कुल, जब हमने इंट्राग्रुप प्रॉफिट हटाया उस पर पक्का कोई डेफर्ड टैक्स बना होगा। हाँ सर, पक्का कोई डेफर्ड टैक्स बना होगा। सो हमने जो उस पर डेफर्ड टैक्स है वो भी रिकॉग्नाइज करना है और अनरियलाइज्ड इंटर कंपनी प्रॉफिट्स एलिमिनेशन। फिर उसके बाद हमने कहा हमने सब्सिडरी को लोन दिया था या सब्सिडरी ने हमसे लोन लिया था, कुछ भी हो सकता है, या हमने सब्सिडरी से कोई लोन लिया था, तो जो इंट्राग्रुप इनडेटनेस है वो भी यहाँ पे एलिमिनेट होगी। सर चार पॉइंट हो गए बेसिकली, इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट पेड हटा दिया, प्रॉफिट जो एसेट ट्रांसफर किए थे उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दिया, उस पर डेफर्ड टैक्स जो था अनरियलाइज प्रॉफिट पे वो रिकॉर्ड कर लिया, प्लस जो इंट्रा ग्रुप इनडेटनेस थी उसको भी हमने हटा दिया। तो चार पॉइंट तो सर हमें समझ आ जाते हैं, बाकी चार पॉइंट वही हैं जो सिंपल सी बात होती है। एक तो हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, हो सकता है पेरेंट और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग थी तो हमें हार्मोनाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है सर कर लेंगे। प्लस कोई सब्सिक्वेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन्स हुई जो हुई बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी मेरी बैलेंस शीट डेट थी 31 मार्च 2021 और मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मान लेते हैं आई काफ़ी बाद में मतलब जून के एंड में आई, तो उस बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई अगर उसको रिकॉग्नाइज करना है तो उसको भी रिकॉग्निशन को हम करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में लेंगे। प्लस हो सकता है मेरी कंपोनेंट की बैलेंस शीट डेट और जो मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उन दो डेट्स में डिफरेंस है, उन दो डेट्स में अगर डिफरेंस होगा तो उसके बीच की भी जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होते हैं वो भी मुझे रिकॉर्ड करके चलनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर मेरी सब्सिडरी फॉरेन है यानी फॉरेन कंपोनेंट है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा डॉलर यूरो पाउंड जो भी है फ्रॉम उसमें हो सकते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है वो यूएसए की है तो यूएस गैप में होंगे। सो एडजस्टमेंट्स टू कन्वर्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स लोकल गैप यानी यूएस गैप टू गैप अंडर विच द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी मुझे यहाँ पे गैप कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो कि जो पॉइंट्स हमने पेरेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़े थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आ गए हैं। चार पॉइंट तो पहले हमने पढ़ लिए थे, इंटरेस्ट एसेट डेफर टैक्स और इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस का। फिर वहाँ पे जो हमने हार्मोनाइजेशन वाला पॉइंट पढ़ा था वो हार्मोनाइजेशन वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ गया, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, गैप कन्वर्जन वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जो हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाली बात पढ़ी है वो यहाँ पे आएगी, प्लस कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स बिटवीन द डेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स बैलेंस शीट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ग्रुप्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक छोटा एमसीक्यू वाला पॉइंट आ जाता है। एमसीक्यू वाला पॉइंट क्या सर, हो अगर कॉम्पोनेंट की बैलेंस शीट और जो पेरेंट की जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना चल सकता है, तो मैं कहता हूँ अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हो तो ये गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप बना रहे हो इंड एएस के हिसाब से तो ये गैप 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आ जाती है एक और छोटी चीज़, जब भी हम इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है हर किसी एंटिटी के नेट एसेट्स प्रॉफिट और लॉस और ओसीआई यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स प्रॉफिट और लॉस और कंसोलिडेटेड ओसीआई। सर ये बात हमें इतनी फालतू बात आप क्यों पढ़ा रहे हो भाई साहब, आईसीआई एमसीक्यू में पूछ लेता है, मेरे पेपर में आई थी तो हो सकता है आपके में भी आ जाए। तो याद रखना नेट एसेट्स पीएनएल और ओसीआई यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हर एंटिटी का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसको आप दिखा सकते हो एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड ओसीआई। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना और इस पर ध्यान रखना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इन्फॉर्मेशन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है पेरेंट और सब्सिडरी के, बट इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने का कोई पॉइंट नहीं है। सो ये कुछ बातें हैं जैसे बोनस शेयर्स कैसे इशू करें। अब बोनस शेयर्स जनरली आपको ही पता होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस यूज करके हम बोनस शेयर इशू करते हैं, बट ये बात कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आ जाते हैं अनयूटिलाइज्ड मनी, मैंने कोई पैसा लिया था जिसको मैंने लिया था फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, अब मेरे को उसको जब तक मैं उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करता जिसके लिए मैंने उसको लिया था, मैं हो सकता है किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करके रखूँ, वो फॉर्म मुझे जनरली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी पड़ती है, बट उसको भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एमएसएमई एक्ट है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होंगे तब भी काम चल जाएगा। और अगर आपके कोई इंपोर्ट्स हैं जो CIF बेसिस पे, सर CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, अगर आपके कोई इंपोर्ट्स है जो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस पे हैं तो उनके और इंपोर्ट्स किस किस चीज़ के, RCC यानी रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड कैपिटल गुड्स, इनके जो भी इंपोर्ट्स हैं CIF बेसिस पे उसकी आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। साथ ही साथ कोई भी आपने एक्सपेंडिचर किया है फॉरेक्स में ऑन रॉयल्टी नो हाउ एक्सेट्रा उसको भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लस
आपने जब ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, कंजम्पशन करी किसकी, रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स की एंड कैपिटल गुड्स की, तो आपको जनरली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है कितना परसेंटेज मेरा इंपोर्टेड था एंड कितना परसेंटेज इंडिजीनस था, यानी मैंने इंडिया से खरीदा था। तो इस तरह की आपको जो टोटल अमाउंट थी इंपोर्ट्स और इंडिजीनस कंजम्पशन प्लस परसेंटेज टू टोटल कंजम्पशन, इस तरह की फलाना ढमकाना चीज़ें भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आती है, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अब आती है बात मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन यानी SA580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जब भी आप कोई ऑडिट करते हैं तो आपको मैनेजमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ती है। अब आपने मैनेजमेंट से क्या रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि भाई मैनेजमेंट है तो काम अपना ठीक से किया हो। अब पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि कॉम्पोनेंट्स की जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली इंक्लूड करें, हार्मोनाइजेशन करें अकाउंटिंग पॉलिसीज की, ये सब उन्होंने काम करना था, कंसोलिडेटेड पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करनी थी, प्लस उन्होंने सेगमेंट रिपोर्टिंग और रिलेटेड पार्टी का काम देखना था। ये हमने पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पढ़ा था, तो वही उसी पे हम उनसे रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि जो भी कंपोनेंट्स इंक्लूड किए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंप्लीट है, प्लस उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सिमिलरली उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, प्लस उनकी जो परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं वो एप्रोप्रिएट और कंप्लीट हैं, इंक्लूडिंग द एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। अब आती है बात रिपोर्टिंग की। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, हमने कहा क्या सर, हमने कहा सर अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं तो अलग अलग रिपोर्टिंग हो सकती है। मैंने कहा पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर सेम है, यानी जो बंदा ऑडिट कर रहा है पेरेंट का वही ऑडिट कर रहा है उसकी सब्सिडरीज का। तो सिंपल सी बात है भाई, जो भी प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने देखना है क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए हैं कि नहीं। तो हमने यही देखना है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होंगे तो ऑडिटर को अच्छा नहीं लगेगा, और जब ऑडिटर को अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करता है, अपना ओपिनियन मॉडिफाई। अब सर ऑडिटर मॉडिफाई करता है एज पर SA705। तो जब भी कोई डिपार्चर डेविएशन होगा, उसको लगता है कोई डिपार्चर और डेविएशन हो रहा है फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो रिक्वायरमेंट देखेगा एज पर SA705 और मेक श्योर करेगा ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू जो यूजर्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अवेयरनेस आ जाए रिगार्डिंग सच डेविएशन। जब ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन तो वो देखेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू तीन चीजों का, बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, समझ आ गई। अब हमने कहा पेरेंट का ऑडिटर कॉम्पोनेंट का ऑडिटर नहीं है, पेरेंट का ऑडिटर कॉम्पोनेंट ऑडिटर नहीं है, बट जो पेरेंट का ऑडिटर है वो ऑडिटर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है सर। सो अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, यानी कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है, तो जब कोई ऑडिटर कोई और है तो मुझे उसका काम यूज़ करना पड़ेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आप यूज़ करते हो वर्क ऑफ अदर ऑडिटर यानी ओ ऑडिटर, तो आप SA600 की बात करते हो, तो आपने SA600 की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, प्लस SA706 आपको क्या बोलते हैं, 706 क्या होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ इन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो SA706 कहता है जब आप किसी और ऑडिटर का काम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करो तो बता देना कितना काम किसी और का है। सो डिस्क्लोज क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। तो जो दूसरे ऑडिटर ने काम किया वो आपको मैग्नीट्यूड अलग से बताना पड़ेगा। सर मैग्नीट्यूड हम कैसे बताते हैं, हम मैग्नीट्यूड बताते हैं या तो एग्रीगेट अमाउंट बता देंगे कि भाई 1000 करोड़ का जो ऑडिट है वो दूसरे ऑडिटर ने किया, बाकी ऑडिट मैंने किया। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया कि आप उसको एज अ परसेंटेज बताओ। सो 50% जो ऑडिट था वो मैंने किया, 50% किसी और ने किया, या 90% ऑडिट मैंने किया या 10% उसने किया। और ये परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज, और एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ टोटल रेवेन्यूज, एसेट्स और कैश फ्लोज, ये आपने लेने। और ये जो आप अमाउंट्स लोगे दीज शुड बी बिफोर यू आर गिविंग इफेक्ट टू एनी परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। तो आप कोई भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, चाहे परमानेंट हो चाहे करंट, उस एडजस्टमेंट के पहले की आप अमाउंट लोगे एसेट्स, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज की, प्लस आप लास्ट में एक चीज़ और लिखोगे कि अगर आप रेफरेंस दे रहे हो कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किसी और के काम को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो ओपिनियन है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो। दिस इज नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, बट एन इंडिकेशन, एक ये इंडिकेशन है कि हम दोनों भाइयों के बीच में ये काम डिवाइडेड है, दैट इट इज अ डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द ऑडिटर्स ऑफ द पेरेंट एंड द सब्सिडरीज। आई होप आपको ये बात समझ आती है। हाँ सर समझ आती है, अगर हम पेरेंट के ऑडिटर हैं और कंपोनेंट के ऑडिटर नहीं है तो हमें ऐसे 600 ध्यान में रखना है, प्लस ऐसे 706 लेना है जिसमें हम मैग्नीट्यूड बताएं कितना ऑडिट किसी और ने किया। मैग्नीट्यूड हम एग्रीगेट अमाउंट से भी बता सकते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और कैश फ्लोज के हिसाब से भी बता सकते हैं। और इसमें हमें कंसिडर नहीं करनी परमानेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, और इसका मतलब ये नहीं हमने अपना ओपिनियन क्वालिफाई किया, ये जस्ट एक रेफरेंस है बिटवीन द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द ऑडिटर ऑफ पेरेंट एंड ऑडिटर ऑफ सब्सिडरीज।
when the component auditors reports on the financial statements under an accounting framework which is different from that of the parent. Sir, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जो component के financial statements है उसका जो accounting framework है वो parent से अलग है. तो मैंने कहा क्या हो सकता है सर, इसमें दो केस हो सकते हैं. एक तो component financial statement जैसे अपने बनाता था वैसे ही बनाए और parent को दे दे, तो parent क्या करेगा, parent उसमें मसाला डालेगा, parent उसमें conversion adjustments करेगा, एंड जो वो conversion adjustments करेगा उसका audit as a principal auditor आप कर लेना. एक काम ये हो सकता है. एक हो सकता है component दो financial statement बनाए, एक तो अपने accounting framework के हिसाब से, एक as पर द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जिसमें हमारी कंसोलिडेशन होनी है. उसके लिए उसको लगेगा गैम यानी ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल. वो ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल यूज करके पेरेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे देगा. अब एज एन ऑडिटर आपका काम है कि क्या वो जो गैम है वो कंप्लाई करता है विद द गैप एप्लीकेबल टू द पेरेंट. सर हाँ, बात समझ आती है. अब एक लास्ट बात आई थी, फिर हमने कहा था सर कंपोनेंट तो हम इंक्लूड कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट कंपोनेंट ऑडिटेड ही नहीं है. तो इसकी भाई साहब एक ही सार था कि ऐसे 705 लगा लेना, क्या वो कंपोनेंट जो है उसको कंसीडर कर लेना बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, और अकॉर्डिंगली अपनी जो रिपोर्ट है वो मॉडिफाई कर देना एज पर ऐसे 705 मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन एंड एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. जल्दी से इस चैप्टर को मेरे साथ आपने रिवाइज कर लिया, खुद भी एक बार रिवाइज कर लीजिए. ICAI के स्टडी मटेरियल के जो बैक क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपने माता पिता और अपना सबका नाम रोशन करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आप जल्द ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं और जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं वो पूरे होने वाली हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर परसुइंग CA. ऑल द बेस्ट.